जब तक अजय और एलेक्स ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते हैं, तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। एलेक्स हांफते हुए अजय से पूछता है, सर क्या हुआ? आप बताएंगे कि आप इतनी तेजी से क्यों भागते हुए नीचे आए? हम लिफ्ट से भी तो आ सकते थे। अजय एलेक्स के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो भी लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। एलेक्स फिर अजय से पूछता है, प्लीज सर बताइए क्या हुआ है? एलेक्स अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, सर आपको कहीं प्रोफेसर प्रताप नायर तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे गए थे जो आप इतनी तेज भागते हुए नीचे आ गए? अजय एलेक्स के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं एलेक्स, मुझे प्रोफेसर प्रताप नारायण यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। एलेक्स हैरानी के साथ पूछता है, यदि प्रोफेसर प्रताप नारायण आपको यहाँ पर नहीं दिखे तो फिर कौन था जिसे देखकर आप यहाँ नीचे आ गए? अजय धीरे से कहता है, वो एक आदमी के लिए। एलेक्स बड़ी आंखें करते हुए कहता है, कौन आदमी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? अजय एलेक्स की बात का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं, मैं उसे नहीं जानता। एलेक्स फिर हैरानी के साथ अजय से पूछता है, सर अगर आप उस आदमी को नहीं जानते तो फिर उसको पकड़ने के लिए इतनी तेज भागते हुए नीचे क्यों आ गए? वो एलेक्स, मुझे लगा कि वो आदमी बच्चा, अजय बोलते बोलते रुक जाता है। अजय को यूं बोलते बोलते रुकता हुआ देखकर एलेक्स फिर हैरानी के साथ अजय से पूछता है, वो आदमी बच्चा क्या? अजय सर आगे बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? अजय एलेक्स के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अजय के दिमाग में क्या चल रहा था और वो किस आदमी की और किस बच्चे की बात कर रहा था। अजय अपने आप से बात करते हुए कहता है, मुझे वहां पर जाना ही होगा, देखना होगा 7 साल पहले जो सौदा मैंने पूरा नहीं किया था, कहीं कोई और तो उस सौदे को पूरा नहीं कर रहा। मुझे वहां पर जाना होगा, देखना होगा कि उसका खेल दोबारा तो शुरू नहीं होगा। एलेक्स हैरानी के साथ अजय से पूछता है, सर आप कौन से खेल की बात कर रहे हैं और कहां जाने की बात कर रहे हैं? अजय एलेक्स को खेल के बारे में तो कुछ नहीं बताता, पर दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेघ गांव एलेक्स, हमें अभी इसी वक्त मेघ गांव जाना पड़ेगा। एलेक्स हैरानी के साथ अजय से पूछता है, पर क्यों सर, आप इतनी रात में मेघ गांव क्यों जाना चाहते हैं? वहां पर हमें जाकर क्या मिलेगा? अजय एलेक्स की बात को काटते हुए कहता है, मैं अभी तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता एलेक्स, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, बस अभी तुम जल्दी से जल्दी मेघ गांव चलो और भगवान से दुआ करो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच ना हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। एलेक्स की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अजय कैसी बातें कर रहा था और किस अनर्थ ना होने की बात कर रहा था, पर अजय के समझाने पर एलेक्स अजय से कोई सवाल नहीं करता और उसके साथ मेघ गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। अजय और एलेक्स मेघ गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के 8 बज रहे थे और इस तरह विजयकांत अपने बेटे अमरदीप की बारात लेकर रुद्र के घर में आ गया था। रुद्र के सभी घर वाले और उसके दोस्त लोग मेहमानों का स्वागत और उनकी खातिरदारी करने में लगे हुए थे। विजयकांत और संतोष आपस में बातचीत कर रहे थे। संतोष विजयकांत की हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। लड़की वाला होने के कारण संतोष विजयकांत से बहस नहीं कर रहा था। बातचीत खत्म हो जाने के बाद संतोष रिश्तेदारों से मिलते जुलते आयशा के पास आता है और धीरे से आयशा के कान में कहता है, सुनो आयशा, मैं क्या कह रहा था? आयशा भी धीरे से संतोष के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ कहिए जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जब से देख रही हूँ विजय खान जी से कुछ ज्यादा ही बातें हो रही थी आपकी। हाँ आयशा, वो विजय खान जी पूछ रहे थे कि स्वाति तैयार हो गई ना, विवाह में देरी नहीं होनी चाहिए, ना ही शुभ मुहूर्त निकलना चाहिए, तुम जाकर देख लो स्वाति बढ़िया तैयार हुई या नहीं। आयशा संतोष को दिलासा देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए जी, स्वाति तो कब से तैयार हो गई है, मुझे पता था विजयकांत जी वक्त के बड़े पाबंद है, इसलिए मैंने उसे पहले ही तैयार होने के लिए बोल दिया था। संतोष आयशा की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर एक बार स्वाति से पूछ लो, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है ना, वरना तुम तो जानती हो लड़कियों का सजना संवरना इनकी शादी के आखिरी वक्त तक खत्म नहीं होता है। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैं जाकर स्वाति बिटिया को देख कर आती हूँ। इतना कहकर आयशा वहां से चली जाती है और स्वाति के कमरे की तरफ जाने लग जाती है। इस तरफ रुद्र और संतोष शादी के कामों में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ समीर, पीयूष, अनन्या, तन्वी और अर्जुन साथ में बैठकर गप्पे मार रहे थे और शादी को एंजॉय कर रहे थे। पीयूष के हाथ में कबाब की प्लेट थी। पीयूष एक कबाब खाते हुए तन्वी से नाराज होते हुए कहता है, यार तन्वी, तुमने और रुद्र ने हमारे साथ बहुत गलत किया। तन्वी हैरानी के साथ पीयूष से पूछती है, क्या गलत किया हमने यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
पीयूष धनवी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही कि तुमने और रुद्र ने अकेले अकेले शादी कर ली, अगर हमें बुलाया होता तो हम भी आते, साथ में इडली का टेस्टी टेस्टी खाना भी खाते ना। धनवी पीयूष को समझाते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है पीयूष, बुलाना तो हम दोनों चाहते थे तुम लोगों को, पर तुम लोगों को तो पता ही है ना कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी, और वैसे भी अगर तुम लोग वहाँ इडली आते तो तुम्हें ये चमक धमक नहीं दिखती और ना ही इतना सारा खाना मिलता। अनन्या हैरानी के साथ तन्वी से पूछती है, और ऐसा क्यों? तन्वी अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ऐसा इसलिए अनन्या क्योंकि मुझे तो ना ये सब फिजूल खर्चे लगते हैं, इतने सारे लोगों को बुलाना, इतनी सारी सजावट करना और इतना सब कुछ क्या मतलब है इसका, शादी तो दो लोगों का मिलन है ना, तो इसमें इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। समीर भी तन्वी का साथ देते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है तन्वी, हम जिंदगी भर पैसे कमाते रहते हैं और सारे शादी में उड़ा देते हैं। कोई माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए लोन लेकर शादी करते हैं और जिंदगी भर वो कर्ज चुकाते रहते हैं। अर्जुन तन्वी और समीर की बात को सुनते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को पता है शादियों में रिश्तेदार क्यों आते हैं? पीयूष बौखलाहट के साथ जवाब देते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है ना, सिंपल सी चीज है, शादी में रिश्तेदार खाना खाने के लिए तो आते हैं। अर्जुन पीयूष का जवाब सुनकर गुस्से के साथ कहता है, नहीं मोटे, शादियों में रिश्तेदार खाना खाने नहीं आते हैं, बल्कि वो वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। नए नवेले जोड़े को आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है ताकि उसे किसी की नजर ना लगे, और एक कारण ये भी होता है, इसी बहाने हम लोग मिल भी लेते हैं, वरना तुम ही लोग बताओ, अगर शादियां नहीं होती तो क्या हम कभी अपने रिश्तेदारों से मिलते? शादियां ही तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक रिश्ते के जरिए कई दूसरे लड़के लड़कियों के भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। अनन्या कहती है, वैसे देखा जाए तो अर्जुन का कहना भी ठीक है। अर्जुन वहां पर बैठकर जमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है हमारे इंडिया में शादी करने की प्रथा कैसे शुरू हुई? पीयूष अपना सर खुजाते हुए कहता है, नहीं यार नहीं पता, तू ही बता दे। अर्जुन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ हाँ बताता हूँ, पुराने जमाने में एक ऐसा समय भी था जब पृथ्वी पर शादी की प्रथा शुरू नहीं हुई थी। उस समय सोसाइटी में कोई रूल्स नहीं थे, पुरुष और स्त्री इच्छा अनुसार संभोग करते थे, स्त्री को सिर्फ भोग का सामान माना जाता था। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, भोग मतलब खाना ना? अनन्या पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, भोग मतलब खाना नहीं मोटे, भोग मतलब संभोग यानी कि सेक्स, तुझे बड़ा मजा आता है ना ऐसी बातें करने में। पीयूष अपने चेहरे पर हल्की सी हंसी लाते हुए कहता है, नहीं यार मुझे सच में नहीं पता इस बारे में, इसीलिए तो पूछा। अनन्या पीयूष को घूरते हुए कहती है, मोटे तुझे तो ना कुछ पता ही नहीं रहता। समीर अनन्या और पीयूष को झगड़ने से रोकते हुए कहता है, यार बस भी करो तुम दोनों, अर्जुन हमें इतनी अच्छी बात बता रहा था और तुम दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। बता भाई अर्जुन क्या बता रहा था? अर्जुन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब कोई भी नियम नहीं था उस समय उद्धालक नाम के एक ऋषि थे, उनके बेटे का नाम उश्रित केतु था। उश्रित केतु जो था उसे समाज सुधारक माना जाता था। उस समय उन्होंने समाज की भलाई के लिए जो नियम बनाए थे उसका आज भी पालन किया जाता है। समाज में सुधार के नियम लाने के लिए उस समय उनका बहुत विरोध किया गया था। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके उत्सल स्वभाव के लिए उन्हें उनके पिता ने घर के बाहर निकाल दिया था। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा भाई? अर्जुन पीयूष से कहता है, हाँ भाई, कहते हैं एक दिन उनके पिता के आश्रम में कुछ लोग आए थे जो आश्रम की कुछ स्त्रियों को उठाकर ले गए थे। तब उश्रित केतु छोटे थे और जब उन्होंने अपने पिता से पूछा ये लोग क्यों इन स्त्रियों को उठाकर ले गए, तब उनके पिता ने बताया कि ऐसा ही होता आया है, स्त्री को भोग की चीज समझा जाता है, जो उसका जबरदस्ती हरण कर ले जाता है वही उसका स्वामी माना जाता है। अर्जुन की बात सुनकर अचानक खामोशी छा जाती है, हर कोई अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है ये जानने के लिए कि अर्जुन आगे क्या बताने वाला है। अर्जुन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अपने पिता की बात सुनकर विश्वेत केतु को बहुत दुख हुआ और विश्वेत केतु ने उस दिन ये नियम बना दिया कि अब से पुरुष को स्त्री से विवाह करना पड़ेगा, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेगी और जो पुरुष पर स्त्री गमन करेगा। पीयूष बीच में ही अर्जुन को टोकते हुए बोलता है, यार अब ये पर स्त्री गमन का मतलब क्या होता है, थोड़े सिंपल सिंपल से वर्ड यूज करना, हमें एक बार में समझ में आ जाए, इतना मुश्किल वर्ड यूज क्यों करता है। अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार अगर सिंपल वर्ड में बताऊंगा ना तो वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए, इतिहास को इतिहास की भाषा में ही बताना चाहिए। ठीक है तुझे जिस वर्ड को यूज करना है कर, पर पहले मुझे परस्त्री गमन का मतलब तो बता दे।
पर स्त्री गमन का मतलब होता है पराई स्त्री के साथ संभोग करना, समझा? पीयूष अपनी नजरें झुकाते हुए जवाब देता है, हाँ समझ गया। अर्जुन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जो भी ये करेगा वो भ्रूण हत्या का दोषी माना जाएगा और उनको शास्त्रों के अनुसार भ्रूण हत्या की सजा मिलेगी। समीर हैरानी के साथ अर्जुन से पूछता है, शास्त्रों के अनुसार भ्रूण हत्या की क्या सजा है अर्जुन? अर्जुन समीर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भ्रूण हत्या की सजा भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दी थी। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, क्या? अर्जुन तन्वी को समझाते हुए कहता है, हाँ तन्वी, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी। गर्भस्थ शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय ये घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगे चिंतामणि छीन कर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देख लिया है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट उठाने पड़ेंगे। अर्जुन की बात खत्म होते ही पीयूष कहता है, पर यार देखा जाए तो ये श्राप एक प्रकार से इंसान के लिए वरदान ही हो गया ना, कि वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं होती है। मेरे भाई, कृष्ण भगवान ने जो श्राप दिया था वो अश्वत्थामा के लिए था, इंसानों के लिए दूसरा श्राप है। पीयूष हैरानी के साथ अर्जुन से पूछता है, इंसानों के लिए क्या श्राप है? अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है भ्रूण हत्या करने वाले को मरने के बाद अश्वत्थामा की तरह सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष भ्रूण हत्या जैसे पाप करता है तो उसे मरने के बाद नर्क में स्थान मिलता है और सृष्टि के अंत काल तक के लिए उसे नर्क में मिलने वाली सभी प्रकार की यातनाओं और सजाओं को भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे लोगों का दोबारा किसी भी योनि में जन्म नहीं होता और वो अश्वत्थामा की तरह आजीवन नर्क में भटकते रहते हैं। अर्जुन की बात खत्म होते ही अचानक से खामोशी छा जाती है। तन्वी कुर्सी से उठने लग जाती है। तन्वी को उसकी जगह से उठते हुए देखकर अनन्या उसके साथ मजाक करते हुए कहती है, तू कहाँ जा रही है यार? कहीं रुद्र की याद तो नहीं आ रही तुझे? बहुत देर से बिजी है, दिखा नहीं हो कहीं पर। तन्वी अनन्या की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं यार, रुद्र से मिलने नहीं, वॉशरूम जा रही हूँ। अनन्या भी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, रुक मैं भी चलती हूँ। तन्वी और अनन्या दोनों वॉशरूम जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों स्वाति के कमरे के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि स्वाति के कमरे के बाहर आयशा खड़ी हुई थी और स्वाति को आवाज लगा रही थी, स्वाति बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो स्वाति बेटा। पर स्वाति दरवाजा नहीं खोल रही थी। तन्वी हैरानी के साथ आयशा से पूछती है, क्या हुआ चाची जी? आयशा घबराते हुए तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, देखो ना तन्वी, मैं कब से स्वाति बेटा को आवाज दे रही हूँ पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं क्या हुआ इसे। अनन्या आयशा को चुप कराते हुए कहती है, आप शांत हो जाइए चाची जी और फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ। तन्वी और अनन्या भी स्वाति को आवाज लगाने लग जाती है। तन्वी स्वाति को आवाज लगाते हुए कहती है, दरवाजा खोलो स्वाति, दरवाजा खोलो। पर स्वाति दरवाजा नहीं खोल रही थी। जब अनन्या दरवाजे पर अपना हाथ लगाती है तो वो झट से खुल जाता है। दरवाजे को खुलता हुआ देखकर अनन्या तन्वी से कहती है, तन्वी दरवाजा तो खुला हुआ है, बस टिका हुआ था जिस कारण हमें लग रहा था कि अंदर से बंद है। आयशा झटके के साथ दरवाजा खोल देती है और जब वो अंदर घुसती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तन्वी और अनन्या की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। रुको यार, स्टोरी तो सुनी है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।